निरंतर और नदी की धारा के प्रवाह के समान 21 नवंबर 2015 से अनवरत चलती आ रही है और ये ज्ञान की धारा 2015 से सभी लोगों को भिगोती आ रही है और उसी ज्ञान की धारा को लॉकडाउन पीरियड की इस विषम परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर हितल दवे और मेरे प्रिय गुरुजी श्री बलदेव दीवान जी के अथक समर्थ और योग्य प्रयासों के कारण आज से उस 2015 से चलती हुई श्रृंखला को फेसबुक लाइव पेज, इसका नाम इस पेज पर दिया गया है कंटिन्यू वीकली सेशन फ्राइडे सेशन के नाम से पूरे भारत में प्रचार प्रसार का ये यज्ञ चलता चला जाएगा। पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसको एक बहुत बड़ी पद्धति बनाने का प्रयास इस मंच के माध्यम से मैं सभी उन श्रोताओं का आह्वान करूंगा, निमंत्रण दूंगा जो कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को आयुर्वेद के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में एक मंच के माध्यम से सब लोगों को साझा करना चाहते हैं, जिसे सुनकर ये मंच चाहता है सभी लोग लाभान्वित हों, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार। तो इन्हीं सभी बातों के साथ, इन्हीं सभी अच्छी अच्छी ज्ञान आहुतियों के साथ मैं आज के सत्र को प्रारंभ करता हूं। तो विश्व आयुर्वेद परिषद का 243rd लेक्चर के सीरीज में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मेरा शीर्षक थोड़ा सा अनूठा और अद्भुत, ये दो शब्द मैंने अपने शीर्षक में लगाए। तो अनूठा और अद्भुत, और वो भी आमवाद की त्रिआयामी चर्चा के साथ। तो अनूठा और अद्भुत शब्द मैंने आमवाद की त्रिआयामी चर्चा के साथ क्यों लगाया, इस बात के मैं भूमिका में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लगाऊंगा और 10 मिनट अनूठा और अद्भुत संगम शब्द की भूमिका में लगाने के बाद मैं आमवाद की त्रिआयामी चर्चा को 3 चरणों में आपसे साझा करूंगा। तो इससे पहले मैं भूमिका में प्रवेश करूं, आप जितने भी इस बहुत ही शांतकालीन वेला, बहुत ही दिनचर्या से दूर एक ऐसा समय जिस समय ना कोई शोरगुल है, जिस समय ना कोई दैनिक कार्यों में व्यस्तता है, केवल आप अपने साथ हैं या जागृत अवस्था में मेरे साथ इस सेशन में, मैं सभी श्रोताओं का, आप सभी अनुज अग्रज जितने भी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और इसके अलावा जितने भी MD स्कॉलर्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जितने भी गुरुवर इस श्रृंखला से जुड़े हैं, उन सबको स्मरण करते हुए, उन सबको आमंत्रण देते हुए अपने शिक्षा गुरु राजस्थान परंपरा में आदरणीय माननीय श्री राधेश्याम शर्मा जी, श्री महेश जी और श्री बलदेव दीवान जी को नमन करते हुए और अपनी आयुर्वेद परंपरा के भगवान श्री धन्वंतरी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं के आह्वान को एक श्लोक के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ओम ब्रह्मा दक्ष अश्विनी रुदेन्द्र भू चंद्रार्क अनिल अनलहा विश्वसो औषधि ग्रामा भूत संगाश पांतुंते रसायन विवर्षि नाम देवा नाम इवामृतम सुदेव उत्तम नागा नाम आयुर्वेदम औषधम भैषज्यमिन्मस्तुते अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आइए चलते हैं अद्भुत और अनूठे संगम की ओर। वक्ता वही श्रेष्ठ है जिसके हर शब्द में जिसके प्रत्येक शब्द को सुनने वाला अपने हृदय में उतारने के लिए व्याकुल हो रहा है, वही वक्ता मेरे गुरु के शब्दों में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर बोलने वाला 5 मिनट 2 मिनट या अल्प विराम भी ले ले तो उस विराम के अंदर भी सुनने वाला वक्ता की सृजनात्मकता को, वक्ता की सकारात्मकता को अनुभव करे और वक्ता अगर कोई दृष्टांत भी दे दे तो शालीन सी हंसी अनायास ही चेहरे पर सुनने वाले के आ जाए तो समझिएगा कि बोलने वाला दिल से बात कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम आमवाद की चर्चा बुद्धि के प्रमाणों पे, शास्त्र के आधारों पे करेंगे, लेकिन अगर दिल की बात को दिल से ना कहें तो शास्त्र की बात भी अधूरी सी लगती है। अनूठा और अद्भुत, इन दो शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं मैं, 5 मिनट इन दो शब्दों पर लूंगा। और यूं ही जब कोई एक आम आदमी समाज के लिए असाधारण सी बात करता है और खुद में साधारण रह के बात करता है तो वही व्यक्ति धीरे धीरे धीरे
चर्चाओं में, विवादों में और विरोधाभासी बातों के अंदर अपने लिए एक जाल बुन लेता है, और उस जाल में वो साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो श्रोताओं को असाधारण लगता है, धीरे धीरे उसका मन आहत और उसके मन पे एक चोट और एक आक्रांतता महसूस होने लगती है। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का और वो मेरे एक क्षणिक जीवन का छोटा सा अनुभव है। जब मेरे जैसा व्यक्ति विवादों से गिरता है, मेरे जैसा व्यक्ति चर्चाओं में गिरता है, जब मेरे जैसा व्यक्ति शब्दों में गिरता है, तो उस शब्दों से घिरा हुआ व्यक्ति समय की शिला पर चेतना की छैनी और विवेक का हथौड़ा लेकर और भी निकर कर बाहर आता है। प्रभु मेरे शब्दों में क्रांति दे, प्रभु मेरे शब्दों में एक जीवंतता दे, प्रभु मेरे शब्दों में एक सृजनात्मकता दे। सृजनात्मकता, क्रियात्मकता और सकारात्मकता के साथ कई बार शब्द और भी निकल आते हैं, इसीलिए मैंने अद्भुत और अनूठा संगम प्रयोग किया। वाचन नित्य प्रति एक शिखर के साथ चरम उत्कर्ष तक पहुंचे और शब्द कोई भी पुनरावृत्ति का प्रवेश न कर पाए। ऐसे नए परिवेश में एक बार नए शब्दों के साथ और आम बात के कुछ नई अनुभूतियों के साथ मैं आपकी चर्चा में प्रवेश कर रहा हूं। अनूठा और अद्भुत शब्द मेरा पूरा हो गया, लेकिन ध्यान रहे जो मैं बोलने जा रहा हूं कि चर्चा कैसी होनी चाहिए और संवाद कैसा होना चाहिए। संवाद ऐसा हो जो जीवन में नृत्य को भर दे, जो जीवन में आपके ध्यान को उतार दे, जो जीवन में आपको विज्ञान से परिचित करा दे। मैं फिर एक बार पुनरावृत्ति करूंगा इन तीनों शब्दों की, ताकि सुनने वाले को ये ना लगे कि वैद्य जी ने आज आम बात पे चर्चा की या किसी आध्यात्मिक पक्ष पे चर्चा की। मैं वापस कह रहा हूं, एक वैद्य के द्वारा दिया गया संवाद ऐसा हो जो विज्ञान से परिचित करा दे, जो ध्यान का मार्ग भी बता दे और जो सुनते सुनते जीवन में नृत्य का एहसास भी करा दे। तो मेरे संवाद में नृत्य का एहसास भी होगा, ध्यान का अनुभव भी होगा और आम बात के विषय में विज्ञान का परिचय भी होगा। आइए नृत्य, ध्यान और विज्ञान की परिपाटी पर आम बात की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वैद्य जो इस देह संसार में रहकर देह से ऊपर उठकर कुछ अलग सी बात करे, तभी सभी व्यक्तियों को जीवन में एक ऊर्जा का एहसास होगा, आकाश, प्रकाश, ओज, बल और तेज का अनुभव होगा। वही वैद्य एक आम वात के रोगी में उसकी चिकित्सा से पहले एक सफल प्रयोग करने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति, फिर अपनी बात को कहूं कि जीवन में ऊर्जा का एहसास कराए, जीवन में आकाश और प्रकाश का एहसास कराए, जीवन में एक खुली वातावरण का एहसास कराए, ऐसे वैद्य की मानसिक दृष्टि के साथ आपको आम बात के रोग और रोगी के परीक्षण के लिए उतरना है। तमाम प्रश्नों, आकांक्षाओं और द्वंद्वों को जो अपने विचार से झकझोर दे, तमाम द्वंद्वों को, तमाम प्रश्नों को और तमाम आकांक्षाओं को जो अपने विचारों से झकझोर दे और जीवन को, जीवन के सारे द्वंद्वों को निर्द्वंद्वता की ओर ले जाए, जीवन की सारी चिंताओं को जो निश्चिंतता की ओर ले जाए और जीवन में सारी बेड़ियों को खोल के जो स्वतंत्रता का एहसास करा दे, इस तरह की अनुभूतियों के साथ और इस तरह की अभिव्यक्तियों के साथ अगर आप आम वात के रोगी की परीक्षा में उतरेंगे, यकीन मानिए परीक्षा में उतरने से पहले ही रोगी का रोग आधे से ज्यादा आप ठीक कर बैठेंगे। क्योंकि दो प्रकार की छाया होती है, एक एक आपका आभा मंडल, एक आपका दिदीप्यमान चेहरा जो कीर्तिमान चेहरा अपने आसपास ओरा क्रिएट कर देता है, एक आपके मन के विचारों का भंवर, एक आपकी सकारात्मकता का सफर जो आपके आसपास एक ऐसा ओरा क्रिएट करता है कि कुछ व्यक्तियों के ओरा में आने मात्र से ही रोग आधे से ज्यादा वापिस चलायमान हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के ओरा में बैठते ही मन चंचलता की ओर बढ़ने लगता है और कुछ व्यक्तियों के ओरों को स्मृति में धारण करते ही मन बड़ा हर्षित होने लगता है। आप कई बार दुखते भी होंगे कि किसी बहुत ही संत की, किसी गुरु की, किसी वैद्य की मात्र स्मृति से ही आपके चेहरे पे आह्लादिकता और आनंदिता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ आपको आम वात के रोगी के साथ बैठना है, क्योंकि आम वात का रोगी बहुत ही भयंकर पीड़ा से ग्रसित होता है और पीड़ा धीरे धीरे उसके शरीर के साथ साथ उसके मन को भी आक्रांत कर लेती है। तो हमें धारा के साथ चलने में सुविधा होती है, वो धारा जो समाज ने बहुत वर्षों से चला रखी है, वो धारा जो आयुर्वेद की परिपाटी पर हम लोग अक्सर शास्त्रों को साथ लेकर बहने वाली धारा की साथ चलते रहते हैं। तो धारा में साथ चलने से सुविधा तो होती है, लेकिन धारा के साथ चलने से आप अपनी बात को नया आयाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए
बात को नया आयाम देने के लिए कई बार धारा के विपरीत भी जाना पड़ता है, लेकिन धारा के विपरीत एक संघर्ष के व्यक्तित्व का जन्म होता है। उसी संघर्ष और व्यक्तित्व के साथ मैं आपकी आम बात की चर्चा में सीधा प्रवेश करता हूँ। आम बात का पहला पक्ष हम टच करेंगे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, और उसके बाद आएंगे हम दैव व्यपाश्रय और सत्वावधि चिकित्सा में। आम बात की अगर युक्ति व्यपाश्रय की चिकित्सा करें तो हम सिर्फ क्लिनिकल अनुभव ही आपसे शेयर करेंगे, कोई श्लोक का वाचन नहीं करेंगे, और जितना भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैं आपसे पहले ही आग्रह कर दूं कि मेरे जीवन में जो मैंने देखा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अगर मैं इस नीचे लिखे कागज पे देखूं तो कागज पे मैंने ये लिखा है कि कौन सी चीज मैंने आपको नहीं बतानी, अर्थात कौन सी बताई हुई चीज की पुनरावृत्ति मैं ना करूं। तो आम बात की युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में प्रवेश करते हैं। पहला आयाम आम बात का रोगी जब आपके पास आएगा अपने लक्षणों के बारे में बताएगा, युगपत कुपित बांधती कि संधि दोनों शरीर के दाएं और बाएं ओर से दोनों ही जोड़ों में उसके दर्द है, छोटे जोड़ों में दर्द है, स्मॉल ज्वाइंट्स में पेन है, बिगर ज्वाइंट्स में पेन है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जकर जोन क्राइटेरिया डेविडसन की बुक में लिखा है, हैरिसन की बुक में लिखा है, और जो आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है, वो सब निदान करने के बाद जब आप चिकित्सा पे आएंगे, जो चिकित्सा में सबसे पहले आपको आम बात में दीपन और पाचन औषधियों का प्रयोग शास्त्र के आधार पर करना चाहिए। दीपन पाचन औषधियों में आम बात के रोगी को आप तीन प्रकृतियों में विभाजित करेंगे और करना भी चाहिए, वातज प्रकृति के, पित्तज प्रकृति के और कफज प्रकृति के। क्योंकि आप जब नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श त्रिका कृति अष्टविध और दशविध परीक्षा के साथ और आयुर्वेद को के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसे हम संप्राप्ति कहते हैं, इन सब बातों का ध्यान करते हुए जब आम बात की चिकित्सा में उतरेंगे तो यकीनन चिकित्सा से लाभान्वित पेशेंट को होना ही पड़ेगा और उसके रोग को ठीक होना ही है। इसमें कोई चिंता या संशय या संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए आपको तीन बातों का विशेष ख्याल रखना है। कोई भी चिकित्सा शुरू करने से पहले आप अश्वित परीक्षा करें, आप दशविध परीक्षा करें, दर्शन स्पर्शन प्रश्न की परीक्षा करें और संप्राप्ति और क्रियाकाल को पूरा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो मैं क्योंकि निदान पे मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मुझे क्रियाकाल पे नहीं बोलना, संप्राप्ति पे नहीं बोलना, पर फिर भी मैं जैसा अनुभव करता हूँ उस अनुभव को थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर करता हुआ युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की ओर चल रहा हूँ। तो दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे आप प्रकृति को निर्धारित करते हुए, अगर उसकी वातज प्रकृति का है, पित्तज प्रकृति का है और कफट प्रकृति का है। ज्यादातर मात्रा में हम लोग कोष शुद्धि के लिए पंचकार चूर्ण यूज करते हैं, लेकिन पंचकार में स्नाय के पत्ते और कुटकी कुमारी और स्नाय ये तीन औषधियों का कॉम्बिनेशन अगर किसी भी औषधि में दिया जाता है तो ये मल के साथ रक्तता को उत्पन्न करते हैं, ऐसा मैंने अपने अनुभव में देखा है। इसलिए आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा द्रव्य जिसमें कुटकी हो, कुमारी हो और स्नाय हो, उसको पाचन और दीपन और मल शुद्धि के लिए ना दें। तो हमें क्या देना चाहिए, हमें देना चाहिए उसको बहुत माइल्ड दीपन पाचन औषधियां जिसमें शुंठी भी है, जिसमें गिलोय भी है। और मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन अपना अनुभूत बता दूं, आप उसको दे सकते हैं मुनक्का गुलाकंद और स्नाय के पत्ते बहुत कम मात्रा में। आप 25 ग्राम स्नाय की मात्रा रखिए और 50 ग्राम उसमें मुनक्का की मात्रा रखिए और 25 से डबल करें 50, 50 से डबल करें 100 ग्राम गुलाकंद की मात्रा रखिए। इससे क्या होगा, उसकी कोष शुद्धि भी होगी और वायु की वृद्धि होकर अग्निमान भी ठीक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो दीपन पाचन का काम करेगा। दीपन पाचन के लिए शास्त्र में बहुत भरा पड़ा उल्लेख है, लेकिन मैं आपसे वही बात करता चला जाऊंगा जो जीवन में उतारता चला जाता हूँ। चक्रपाणि ने और चक्रदत्त ने भी एक जगह लिखा षडधरण चूर्ण, लेकिन षडधरण चूर्ण मार्केट में कोई कंपनी नहीं बनाती, सिर्फ नागार्जुन केरला का एक कंपनी बनाती है। तो वो प्रिपरेशन हमें मार्केट में या अपने आसपास क्षेत्र में बहुत कम उपलब्ध है। जयपुर परंपरा की बात कहें तो जयपुर परंपरा में कुछ जगह पे हमें षडधरण चूर्ण कुछ कंपनियों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें दीपन पाचन औषधियों का ऐसा कॉम्बिनेशन उसकी प्रकृति को ध्यान में देना है। दूसरी विशेष बात, आप दीपन पाचन करने के बाद भी कई बार पेशेंट आम बात का इस अवस्था में हमारी ओपीडी में पहुंचता है कि अगर आप दीपन पाचन के सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे तो दो दिन के बाद पेशेंट आपकी ओपीडी में पुनरावृत्ति और पुनर्गमन नहीं करेगा, क्योंकि पेशेंट की प्राथमिकता उसका दर्द है, पेशेंट की प्राथमिकता उसका मूलभूत अपेक्षाएं हैं। और उसकी अपेक्षा क्या है कि वैद्य जी आज मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे शूल हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे पेन की टेंडेंसी है, जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मेरे सारे जोड़ों में जकड़ाहट एक स्टिफनेस रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस। तो आप अगर दीपन पाचन के साथ शुरू करेंगे जो कि सिद्धांत का प्रतिपादन है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसके लक्षणों का उपचार नहीं करेंगे तो पेशेंट आपके पास अगले दिन आपकी ओपीडी में नहीं आएगा।
मैं आपसे सिद्धांत की बात करूं, लेकिन जब ओपीडी में बैठते हैं तो वहां पे कई बार हमें सिद्धांत से आगे बढ़ के कुछ नया करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपकी भूमिका में कहा कि मुख्य धारा के साथ चलना आसान है, लेकिन धारा के विपरीत चल के संघर्ष के रास्ते पर चल के पेशेंट ठीक करना, हमें ये भी विश्व आयुर्वेद परिषद और इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए लक्षणों की चिकित्सा भी जरूरी है और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी जरूरी है, और इसी का नाम युक्ति विपश्यना चिकित्सा है कि बीच का रास्ता हम कैसे अपनाएं। तो बीच का रास्ता कैसे अपनाएं का युक्ति विपश्यना में क्या चिकित्सा के माध्यम से आपको बताऊं, तो लक्षणों में अगर पेशेंट ये बोलता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो आप लिख लीजिए इस बात को, अच्छे से सुन भी लीजिए। बहुत सारे लोग आयुर्वेद परंपरा के मुझसे जुड़े भी हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया, जहां पे ऐसी मिट्टी हमें चाहिए जहां गऊ मूत्र विसर्जन करती हो, गऊ के मूत्र विसर्जन की हुई जो जगह मिट्टी है वो मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। और मैं अपने रोगियों में जो बहुत दीन हीन और दरिद्र रोगी हैं, जिनके पास धन की अल्पता और अयोग्यता है, ऐसे रोगियों में योगराज कुकुल या कोई भी मूल्यवान औषधि देने से पहले आप गौमूत्र से संस्कारित, गौमूत्र से भावित मिट्टी का प्रयोग करिए, और उस मिट्टी के अंदर बराबर मात्रा में आप बालू का मिलवाइए, और उन दोनों की पोटली को गर्म करा के पेशेंट को ये बोलिए कि जिस भाग में और जिस अंग में और जिस उसके जोड़ में, ज्वाइंट में पेन ज्यादा या स्टिफनेस ज्यादा रहती है, वो धीरे धीरे उसको बालू का स्केल करे। ये भी एक चक्रपाणी एक जगह लिखा है, बालू का पोटली तथा स्वेदी स्तव्यो, कि बालू का पोटली से स्वेद करें। लेकिन बालू का पोटली में भी ये किताब की शब्द नहीं है, ये हमारा गुरु के द्वारा दिया गया और गुरु प्रदत्त ज्ञान और मेरे जीवन का अनुभव, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं जो आपको मैं इस मंच के माध्यम से साझा कर रहा हूं। तो हमें वो मिट्टी जहां पे जो गोमूत्र भावित हो, गोमूत्र संस्कारित हो, ऐसी मिट्टी का सेवन करना है उसको ज्वाइंट्स पे लगाने के लिए, बाह्य प्रयोग के लिए। फिर भी अगर कष्ट होता है तो फिर आप उसको शुष्क स्वेद दीजिए, लेकिन अगर आप पेशेंट के ज्वाइंट्स में कोई स्वेलिंग होती है तो आपको वहां पे किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग नहीं करना, तो तेल का प्रयोग वर्जित है अगर ज्वाइंट्स के अंदर स्वेलिंग है। अगर ज्वाइंट्स में स्वेलिंग नहीं है, केवल स्टिफनेस है, तो आप उसको शुष्क स्वेद से माध्यम से भी उसके पेन को खत्म कर सकते हैं। अब आइए आप औषधियों के ऊपर, कि इसके साथ साथ अगर हमें औषधि सेवन भी कराना पड़े तो औषधियों का किस प्रकार सेवन करें। औषधियों का सेवन कराने के लिए हम सबसे पहले बहुत माइल्ड सी औषधि देंगे, शुंठी, अश्वगंधा और गिलोई, इन तीन का कॉम्बिनेशन। चाहे तो आप रोगी को, अगर रोगी धन की अल्पता वाला है, अगर रोगी मध्यम परिवार से है और मध्यम से भी थोड़ा उच्च श्रेणी का है, तो आप धीरे धीरे औषधियों की ओर बढ़ते जाइए। औषधियों में एक जयपुर की फार्मेसी बनाती है टेबलेट वात 5, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक झंडू कंपनी भी बनाती है, उसकी झंडू कंपनी के अंदर भी अश्वगंधा और गिलोय का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। एक वैद्यनाथ की कंपनी भी बनाती है वात्रीना टेबलेट, जो मैं अपनी ओपीडी में विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज बिजनौर उत्तर प्रदेश के माध्यम से लाखों रोगियों को हम इस 5 साल के देख चुके हैं। तो उसमें आप वात्रीना टेबलेट वैद्यनाथ की, टेबलेट वात 5 महर्षि बद्री फार्मेसी जयपुर की, और झंडू की टेबलेट भी आती है, शर्मायु की टेबलेट भी आती है, हिमालय की एकल औषधि द्रव्य आप अश्वगंधा को भी यूज कर सकते हैं, आप केवल गिलोय को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक आप योगराज गुकुल को भी ले सकते हैं, लेकिन योगराज गुकुल देने से पहले आप पेशेंट की प्रकृति को निर्धारित कर लें। कई बार गुकुल की प्रिपरेशन देते ही पेशेंट में पित्तज लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं पित्त प्रकृति की वजह से, तो हम ढूंढते ही हैं कि पेशेंट को ऐसा लक्षण कैसे हो गया कि उसका मुख पाक हो गया, रक्त में थोड़ी मल भाग के ऊपर जलन हो गई, तो ये सब सारी चीजें गुकुल के पित्त प्रकोप की वजह से हैं। लेकिन हमें ये कह के काम नहीं चला सकते कि आयुर्वेद दुष्प्रभाव नहीं करती। अगर आपने प्रकृति का निर्धारण नहीं किया और गुगुल जो औषधि बनी हुई है उसकी गुणवत्ता भी अगर श्रेष्ठ नहीं है, तो पैतृक लक्षणों का प्रकोप बहुत जल्दी पेशेंट में आ जाता है और हम उनको ये पहचान नहीं पाते कि वो हमारे द्वारा दी गई औषधि से ही लक्षण की समाप्ति के साथ साथ एक और अहित प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो गुगुल भी यूज कर सकते हैं आप, वात्रीना भी यूज कर सकते हैं, वात 5 टेबलेट भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा डाबर कंपनी ने भी अभी 2 साल पहले पेन किलर के रूप में और एज ए रसायन आप उसको एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं, रिजुविनेटिंग थेरेपी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। स्वर्ण गुगुल ये प्रिपरेशन अभी 2 साल पहले डाबर का लॉन्च हुआ है। तो स्वर्ण गुगुल की टेबलेट को आपकी डोज रहेगी स्वर्ण गुगुल की, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, और वो भी उसका अनुपान रहेगा उष्ण जलपान, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी, तो आपने स्वर्ण गुगुल को भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात तो थी उसके ऐसा लक्षण जिससे आम बात करोगी सबसे ज्यादा प्रभावित
पीड़ित और प्रताड़ित रहता है। तो आपने लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। केवल सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे और लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट आपके पास ओपीडी में नहीं आएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अब आते हैं सिद्धांतों के ऊपर कि आमवाद में हम सिद्धांतिक चिकित्सा क्या करें। आमवाद के अंदर सर्वविदित और शास्त्र आधारित ये सत्य है कि वस्तिक्रम बिल्कुल लिखा हुआ है, व्याकरण वस्ती का प्रयोग लिखा है, बाक्षिकम लवणम स्नेह कलकम क्वथम इति कर्मात्, इस प्रकार से उसको आप इमली को पानी में भिगोइए, रात को सुबह उसको निकाल दीजिए, फिर उसको गुड़ के साथ उसका हल्का सा उसको गर्म करिए, फिर वो पेस्ट बनाइए उसकी, फिर उसको काढ़े के साथ, ये सब आप सुनने वाले जो आयुर्वेद के व्यक्ति हैं वो ग्रंथ से देख सकते हैं। मैं आपको अनुभूत चीजें बता रहा हूँ। जब वैतरण वस्ती का प्रयोग करते हैं तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी किसी पेशेंट में वैतरण वस्ती से वैतरण वस्ती देते वक्त तो कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता, लेकिन 10-15 दिन के बाद पेशेंट के मल भाग में एक रक्तिमा उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि ये रक्तिमा उत्पन्न क्यों हो गई, तो क्योंकि वो वस्ती देते हुए तो हुई नहीं, वस्ती देने का जब क्रम समाप्त हुआ उसके कुछ दिन के पश्चात होती है। तो जब बहुत बार नंबर ऑफ पेशेंट में ऐसा देखने को मिला तब माइंड में एक नया कंसेप्ट आया कि ऐसा तो नहीं है कि ये वैतरण वस्ती देने के बाद कुछ लक्षण आ रहे हो। तो उसके लिए हमने फिर जैसे ही वैतरण वस्ती का प्रयोग कराते हैं तो बाद में सुरक्षा की दृष्टि से और सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए जात्यादि तेल हल्का सा मल भाग के चारों तरफ लगा देते हैं। ये कुछ चीजें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है करने के बाद जो शास्त्रों में नहीं है। विकाराणाम कुछ लो न जीवियात कदाचन, शास्त्र लिखता भी है कि वैद्य अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्वयं संप्राप्ति विघटन करने के लिए सज्ज है और उसको आज्ञा भी दी है हमारे चरक और सुषु जैसे ऋषियों ने। तो ये थी वैतरण वस्ती। वैतरण वस्ती के बाद चलते हैं, वैतरण वस्ती के बाद आता है कि हम चिकित्सा सूत्र और व्यवस्था पत्र क्या बनाए। तो व्यवस्था पत्र में 2-3 व्यवस्था पत्र प्रकृति को देखते हुए बन सकते हैं और व्यवस्था पत्र में भी खास बात क्या है। जैसे व्यवस्था पत्र की ओर चलें तो एक पुनर्नवा मंडूर किसी भी रस औषधि के साथ अक्सर मैं अपने चिकित्सा में देता हूं। और जो मैं आपको बता रहा हूं अपने गुरु का दिया हुआ ज्ञान और 17 साल का अनुभव, ये दोनों चीजें कंबाइन करके दे रहा हूं। जो शास्त्रीय पारंगत, जो शास्त्र में पारंगत हो और निष्णात अनुभव है और जो अनुभव में निष्णात हो, तो ये दोनों ही चीजों का संगम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय वैद्य और गुरु बलदेव दीवान जी के माध्यम से। तो पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मंडूर में एक खास बात क्या है, शास्त्र में लिखता भी है चरक के अंदर ग्रहणी रोगाधिकार में कि ग्रहणी गुल्म और शोथ रोग में इसको दिया जाता है। पुनर्नवा त्रिवृत व्योष विडंगम दारू चित्रकम, त्रिवृत की मात्रा भी इसमें प्रचुर मात्रा में है और पुनर्नवा भी, और व्योष विडंगम दारू चित्रकम तो त्रिकटु व्योष ये सब इसमें डला हुआ है। ये दीपन पाचन का काम भी करता है, शोथ को हरण का काम भी करेगा और एज ए डायुरेटिक ये बॉडी के जितने भी ओडिमेटस कंडीशन है बॉडी की, जनरलाइज ओडिमा NSR का और ज्वाइंट्स के ऊपर जो ओडिमा है उन सबको शांत करता हुआ चलेगा। तो ये मल्टीपर्पज काम करेगा, ये डायुरेटिक का काम भी करेगा, एनर्जेसिक का काम भी करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करेगा। लेकिन मैंने इसमें भी एक चीज देखी है कि हम रस औषधियों को मुख्य रूप से पुनर्नवा मंडूर के साथ जब मिला के देते हैं तो किसी रोगी में तो लाभान्वित हमें मिलता है रोगी, कई बार रोगी लाभान्वित नहीं मिलता। तो उसका कारण मुख्य रूप से ये देखा गया कि पुनर्नवा विडंग की जो प्रिपरेशन है उसमें त्रिवृत की मात्रा और पुनर्नवा का प्रयोग कितने गुणवत्ता को ध्यान में रख के किया। तो मेरा आपसे सब लोगों से यह सुझाव है कि औषधियों की गुणवत्ता को तय करना उतना ही जरूरी है जितना चिकित्सा सिद्धांत को अप्लाई करना जरूरी है। इसलिए वो जो 4 पद लिखे ऋषियों ने वो इसी कारण से लिखे। तो पुनर्नवा मंडूर के साथ आप कॉम्बिनेशन में लगाएं गिलोय सत्व या गोदंती भस्म। और मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है किसी के अनुभव से ये ना मैच करता हो, कि जब हम किसी रस औषधि को पुनर्नवा मंडूर के साथ लगाएं और साथ में गिलोय सत्व दें, तो इस गिलोय सत्व को समझाने के लिए मैं एक एलोपैथी का दृष्टांत साथ में लगाऊंगा। जैसे एलोपैथी के अंदर हम किसी सर्जरी में एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक के साथ वहां पे एक साल्ट यूज किया जाता है फार्माकोलॉजी में, सेराइटोपेप्टाइडेज। वो सेराइटोपेप्टाइडेज क्या करता है, एंटीबायोटिक की पेनिट्रेशन को इंजर्ड एरिया में बढ़ा देता है। तो आयुर्वेद में अगर कहें हम योगवाही, तो आयुर्वेद के अंदर जो गिलोय सत्व है, वदंती भस्म है, ये बहुत सारी दोषों को शमन करने के साथ साथ इट्स बेटर टू यूज द टर्म एज द योगवाही। ये हमारी रस औषधियों को, पुनर्नवा मंडूर को, उसकी पेनिट्रेशन को, उसकी एब्जॉर्प्शन को, उसकी पोटेंसी को, उसकी एफिकेसी को, कामुकता को कई गुना बढ़ा देता है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये उनकी तीक्ष्ण गुण को भी खत्म करता है। तो आप उसमें रस सिंदूर, रस सिंदूर समगुण भी होता है, षड गुण भी होता है।
तो रस सिंदूर की मात्रा 125 मिलीग्राम और अगर उम्र 16 साल से कम है तो 65 मिलीग्राम। क्योंकि पहले यह कहा जाता था कि आमवात एक 25 या 30 साल के ऊपर के व्यक्ति को होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफस्टाइल और हमारा खाने खान पान आहार विहार मानसिक चिंताएं, मैं इस टॉपिक पे भी अभी दूसरे और तीसरे आयाम पे लूंगा, दैव विपाश्रय और सत्वा वजह, तो लेकिन मैं पहले युक्ति विपाश्रय आयाम पे चल रहा हूँ। तो हमें इसलिए रोगी को ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो आप उसमें रस सिंदूर दीजिए, गिलोय सत्व दीजिए और उसके साथ वातरीना टेबलेट या वात 5 महर्षिभद्री की, इनको साथ में लगा के चलिए। और साथ में प्रवाल पिष्टी, रस सिंदूर 125 मिलीग्राम या 65 मिलीग्राम, और दूसरा मैंने बताया आपको पुनर्नवा मंडू 250 मिलीग्राम अगर आपकी 250 मिलीग्राम की टेबलेट है, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी आपको रखनी है 125 मिलीग्राम। इसको ये एक डोज बन गई, इस डोज को सुबह शाम चलाइए और अनुपान रखिए उष्ण जल। इसके साथ साथ एक स्वर्ण गुगुल की प्रिपरेशन पेन किलर के रूप में, और साथ में आप बहुत सारे क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, रासनादि क्वाथ, पुनर्नवा क्वाथ, शिग्रु क्वाथ और वरुण शिग्रु क्वाथ को लोग अश्वनी में देते हैं, आप वरुण शिग्रु क्वाथ को इसमें देखिए, देखिए वो ड्रास्टिक रिजल्ट आएगा। तो आप ये व्यवस्था पत्र, एक व्यवस्था पत्र है, अभी मैं आपको तीन व्यवस्था पत्र इस प्रकार के पैरेलल बताऊंगा जो आप अलग अलग तरीके से रोग और रोगी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए आपको देने चाहिए, और मैं देता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो इसलिए दूसरा व्यवस्था पत्र मैं बता रहा हूं आपको, एक तो बताया मैंने रस सिंदूर वाला, एक राजस्थान परंपरा से जुड़ी हुई अजमेरा फार्मास्यूटिकल है, वो वातरीना रस बनाती है, और हमारी विंध्याचल ड्रग्स भी है जो आमवात के अलग से विंध्याडर्म और विंध्याचल के वो पाउच बनाती है, बहुत प्यारी विंध्याचल ड्रग्स फार्मेसी, तो उनके भी आप पाउच यूज कर सकते हैं। तो वातरीना रस जिसके अंदर स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म और उसमें रस सिंदूर और अश्वगंधा गिलोय और अश्वगंधा गिलोय इन सबका सार डाला हुआ है, तो चार भस्मों का कम्बिनेशन और प्लस पुनर्नवा मंडूर गिलोय अश्वगंधा और इनका सार डाला हुआ है, तो इन सबको मिला के वो वातरीना रस बनाया गया है। उस वातरीना रस में जो अजमेरा फार्मास्यूटिकल जयपुर कंपनी बनाती है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मल सिंदूर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मल सिंदूर में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा हड़ताल की मात्रा का, हड़ताल के लिए लिखा भी हुआ है रस शास्त्र के अंदर कि ये बहुत सारा भारीपन, जकड़न, मिचली, गलानी, दाह, दुर्गंध, अश्वरी, ये सात या आठ प्रकार के प्रभाव हड़ताल के हैं, दाह, दुर्गंध, अश्वरी, भारीपन, मिचली और गलानी। तो आप हड़ताल को जिस कंपनी का भी यूज करें उसको शुद्ध मात्रा में यूज करें, और हड़ताल की मात्रा की मिनिमम डोज 65 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम से ऊपर ना रखें। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि विश्व आयुर्वेद परिषद की श्रृंखला के अंदर जितने भी श्रोता जुड़े हैं आज तक 2015 से, क्लिनिकल ओरिएंटेड है सभी लोग। इस मंच की ये खास बात है कि सभी श्रोताओं को ये क्लिनिकल ओरिएंटेशन पे जोड़ देते हैं, और क्लिनिकल ओरिएंटेशन की वजह से ही ये 2015 से अपना बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर पाया है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ क्लिनिकल बात कर रहा हूं, और क्लिनिकल की बात को रखने वाले सभी श्रोताओं का इस मंच से मैं पुनः स्वागत करता हूं। तो और दूसरा व्यवस्था पत्र बताऊं आपको मैं, तीसरा व्यवस्था पत्र, अभी तीसरा व्यवस्था पत्र हड़ताल का है, तो हड़ताल की मात्रा को आप 65 मिलीग्राम से ऊपर मत जाइएगा, और हड़ताल की मात्रा के साथ साथ आप उसमें रस सिंदूर भी मिलाइएगा। रस सिंदूर की मात्रा रहेगी 125 मिलीग्राम, हड़ताल की मात्रा रहेगी आपकी 65 मिलीग्राम, साथ में गिलोय सत्व आपका रहेगा 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी रहेगी आपकी 125 मिलीग्राम। ये एक डोज बताई, ऐसी डोज सुबह शाम बना के आप उसको कम से कम 20 या 25 दिन सेवन कराएं। अब आपका तीसरा व्यवस्था पत्र आ गया, तीसरा व्यवस्था पत्र कैसे बनेगा आपका, वो बनेगा आपका पहला एक बनाया मैंने मल सिंदूर वाला, दूसरा बताया आपको रस सिंदूर वाला, तीसरा बताया वातरीना रस वाला, अब चौथा व्यवस्था पत्र बता रहा हूं आपको जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चौथा व्यवस्था पत्र कैसे रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया कि 50 ग्राम सनाई के पत्ते, 100 ग्राम मुनक्का और 150 ग्राम गुलकन, इन तीनों का मिश्रण बना के गोलियां बना लीजिए, वो गोलियां सुबह शाम दीजिए, और उसके साथ इस चौथे व्यवस्था पत्र को लगाइए। चौथा व्यवस्था पत्र क्या कहता है, सबसे पहले औषधि लिख लीजिए आप, क्योंकि चार व्यवस्था पत्र बता रहा हूं मैं, और मैंने किसी किताब को नहीं पढ़ा आज बोलने के लिए, मैंने ये लिखा कि मुझे क्या नहीं बोलना, और जो मैं बोल रहा हूं वो बुद्धि का प्रयोग कर चुका हूं, इस वक्त सिर्फ आप सभी लोगों से मैं मन से जुड़ा हूं। तो चौथा व्यवस्था पत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा व्यवस्था पत्र है, आप लिख लीजिए, उसमें डालिए आप सबसे पहले रस सिंदूर, रस सिंदूर के साथ आप कम्बिनेशन बदल दीजिए, आप रस सिंदूर के साथ लगाइए आप टेबलेट वात 5 और वातरीना, इन दोनों का कम्बिनेशन बनाइए आप, वातरीना भी डालिए
वात फाइबर डाली है और इनकी डोज क्या क्या रखी है, क्योंकि वातरीना और वात फाइबर के कम्बिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। और साथ में लगाइए पुनर्नवा मंडूर, वातरीना, वात फाइव, पुनर्नवा मंडूर, रस सिंदूर और हड़ताल। अगर आपने ये कम्बिनेशन दे दिया तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेशेंट अगर पित्त प्रकृति का, पित्त का प्रकोप ना हो जाए, इसलिए पित्त को विरेचन करने के लिए मैंने आपको मुनक्का, गुलाकंद और सनाई का प्रयोग बताया। साथ साथ में आप उसको स्वर्ण गुगुल की टेबलेट SOS एज पर नीडेड, अगर पेशेंट ने बालू का पोटली स्वेद कर लिया, अगर बालू का पोटली स्वेद के साथ साथ आपने गोमूत्र भावित मिट्टी से उसका सेक कर लिया और साथ साथ आपने उसको वैतरण वस्ती भी लगा दी और इसके साथ ये व्यवस्था पत्र भी दे दिया, तो 4 या 5 दिन के बाद आपका पेशेंट ये बोलेगा कि वैद्य जी आनंद आ गया। लेकिन बहुत सारी बातें अभी शेष हैं, व्यवस्था पत्र अभी शेष है, अभी जाइएगा मत। अभी मैंने आपको पहले आयाम का 4 व्यवस्था पत्र बताया, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी। तो पहले आयाम के 4 व्यवस्था पत्र के बाद छठी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने क्वाद कौन सा देना, आप राशना सप्तक क्वाद देना चाह रहे हैं, आप राशनादि क्वाद देना चाह रहे हैं, आप कौन सा क्वाद यूज करना चाह रहे हैं। क्वाद के अंदर जो मेरा अनुभव कहता है वो एक सांडू ब्रदर्स की 50 ईयर ऑफ एक्सीलेंस, 70 साल से वो क्वाद बना रही है। तो या तो आप उसको जड़ी बूटियों का रॉ मटेरियल बना के दीजिए, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, सस्ता भी रहेगा और प्रभावी और मूल्यवान इस एंगल से ज्यादा रहेगा कि उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। राशना सप्तक क्वाद रॉ मटेरियल लीजिए, और क्वाद जो विधि शास्त्र में लिखी है कि 4 गुना पानी मिला के अर्धांश शेष रह जाने पर वो ले और उसकी मात्रा संभाग जल मिलाकर भोजनोत्तर लंच और डिनर के बाद रखें। लेकिन क्या केवल राशना सप्तक क्वाद देने से, स्वर्ण गुगुल देने से या इस प्रकार की औषधियां देने से हमारा रोगी ठीक हो जाता है? और कई बार तो हमारे पास रोगी बहुत सारे वैद्यों से, बहुत सारे ऐसे वैद्यों से जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, शास्त्र आधारित नहीं है, उनसे चिकित्सा लेने के बाद पहुंचता है हमारे पास और हमें ये बोलता है कि वैद्य जी पुनर्नवा मंडूर भी खा ली, आरोग्यवर्धिनी वटी भी खा ली, महायोगराज और योगराज गुकुल भी खा ली, अब क्या करें? तो आप बताइए, जो पेशेंट योगराज गुकुल आपके पास खा के आया, रस सिंदूर आपके पास खा के आया और कहीं ना कहीं वो वैतरण वस्ती भी लेके आया, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से, जो पेशेंट हमें आने से पहले अपना व्यवस्था पत्र दिखाएंगे और उस व्यवस्था पत्र में जितनी चिकित्सा मैंने आपको बता दी ये सब लिखी हुई है, और पेशेंट ये बोलता है कि वैद्य सुबह उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उसके बाद गूगल की गोलियां और एलोपैथी के पेन किलर खाने के बाद भी मेरा पेन भी नहीं जाता, तो क्या करें? तो अब मैं आपसे एक चिकित्सा और बताने जा रहा हूँ, युक्ति की चिकित्सा के अंदर एकादशम प्रतिशाखाम त्रिणी कोष्ठ नवरसी पृष्ठ चतुर्दशा प्रोक्ता सब त्रिशत गुरु परि। ये मेरा स्व अर्जित ज्ञान है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने भी आज तक किसी से छुपाया नहीं। तो मरम चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, मैं अपने महाविद्यालय के अस्पताल में करता भी हूं और मेरे साथ जितने भी मेरे चिकित्सा के डॉक्टर निपेंद्र आ रहे हैं, डॉक्टर निरंक जो जुड़े हैं, डॉक्टर बालेश, उन लोगों के साथ उनको सिखाता भी, उनको बताता भी हूं। मरम चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें आपको किसी मल सिंदूर की जरूरत नहीं है, आपको किसी गूगल की जरूरत नहीं है, आपको कोई अश्वगंधा गिलोय की जरूरत नहीं है, लेकिन क्षमा करिएगा, शुष्कता और रुक्षता बोलने की वजह से ज्यादा प्रदान हो रही है, इसलिए मुझे बीच बीच में जलपान करना पड़ रहा है। तो मरम चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जब आप उसके 107 मरम को 40 मिनट्स तक बैठ के लगातार एक्टिवेट करते चले जाएंगे तो पेशेंट 1 घंटे बाद आपको ये बोलेगा वैद्य जी मैं ठीक हो गया। तो लाक्षणिक चिकित्सा का प्रारंभ मरम चिकित्सा से अगर करेंगे तो उसके बाद युक्ति चिकित्सा में अगर आप औषधियों का प्रयोग करेंगे तो पेशेंट आपका धैर्यवान भी बनेगा और प्रतीक्षा के साथ आपके चिकित्सा में जुड़ा भी रहेगा। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना है कि पेशेंट किस प्रकार आपकी चिकित्सा में जुड़ा रहे, धैर्यवान रहे और प्रतीक्षा में रहे। प्रतीक्षा और धैर्यवान शब्दों से किसी की प्रतीक्षा नहीं होती और ना ही धैर्य होता है। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द का इलाज चाहिए। मैं बोल दूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे निश्चिंत कहने से उसका दर्द नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि जिस तन लागे वही तन जाने, जिस पर बीतती है ना वही जानता है, बाकी तो शब्दों से खेलना जानते हैं। वैद्य बेचारा क्या करे जब आप ही चिंता हो। एक चिंता शब्द के लिए मैं बोलता हूँ, चिंता ऐसी रागिनी मन कहाँ पाखोए, ये वैद्य बेचारा क्या करे जब खुद ही चिंता हो। वैद्य भी चिंता में है कि कैसे ठीक होगा पेशेंट, और पेशेंट तो है ही चिंता में कि मुझे कौन ठीक करेगा। तो चिंता चिंता को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन चिंतन
चिंता को जू खत्म कर सकता है। इसलिए वैद्य का परम कर्तव्य है कि वो चिंता को छोड़ने के चिंतन के रास्ते पर चले। जिसका चिंतन श्रेष्ठ होगा, जिसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा और जिसकी साधना गहरी होगी, वो रोगी के रोग को और उसके दर्द को बिना शब्दों के बैठते ही मरम चिकित्सा से नहीं किसी और चिकित्सा से भी ठीक कर सकता है। आइए मैं युक्ति विपाश्रय के बाद दूसरे आयाम पे चलता हूँ। समय भी हमारा हो रहा है क्योंकि हमें मुझे पूरे टॉपिक को धीरे धीरे से कवर करना है। मैं दूसरी चिकित्सा की ओर चलता हूँ युक्ति विपाश्रय के साथ। दूसरी चिकित्सा है मेरी सत्वावधि चिकित्सा और दैव्यपाश्रय चिकित्सा। अक्सर सत्वावधि और दैव्यपाश्रय चिकित्सा को लोग ये कहकर छोड़ देते हैं या सोचते हैं या बोल देते हैं कि वैद्य काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। जो मेरे आसपास बंधुजन हैं, परिवारजन हैं, जो परिचित हैं, अभ्यस्त और आगंतुक हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षकगण चिकित्सकगण मेरे आसपास रहते हैं, ये काउंसलिंग कोई शब्द नहीं है। काउंसलिंग की डिग्री भी आजकल मिलने लग गई। तो काउंसलिंग की डिग्री से काउंसलिंग नहीं होती और शब्दों के बोलने से भी काउंसलिंग नहीं होती। ये तो जो खुद कौंसील हो चुका हो, जिसने स्वयं को तप्त कर लिया हो, जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया हो, जिसने स्वयं को प्रभु के चरणों में नमन करके छोड़ दिया हो, जो काबा की बात भी करे, जो काशी की बात भी करे, जो कैलाश की बात भी करे। जर्जर है कश्ती ना हक में हवाएं। अब मैं जा रहा हूं दैव्यपाश्रय और सत्वावधि चिकित्सा की ओर। इसीलिए जब युक्ति की बात करें तो गंभीर हो जाएं, लेकिन जब तृप्ति की बात करें, दैव्यपाश्रय और सत्वावधि की बात करें, तो थोड़ा हास्यास्पद हो जाएं। क्योंकि अगर श्रृंगार ना हो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वैद्य वही है जो नृत्य की बात भी करे, जो ध्यान की बात भी करे और जो विज्ञान की बात भी करे। तो युक्ति विपाश्रय में विज्ञान की बात की, लेकिन दैव्यपाश्रय और सत्वावधि चिकित्सा में हम नृत्य और जीवन के संगीत की बात भी करेंगे। तो उसी जीवन के संगीत की बात को करते हुए चिकित्सा की अहम भूमिका में प्रयुक्त होने वाली शब्द और विचार और प्रयोग विधि को बताने जा रहा हूँ। लास्ट के इस 25 मिनट में मैं आप सब लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा। आइए चलते हैं दैव्यपाश्रय और सत्वावधि चिकित्सा की ओर। जीवन दो प्रकार से चलता है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सुनने वालों का कर्तव्य है कि वो अपने रोगी के साथ इन शब्दों का जीवन में प्रयोग करें। और अगर आप में से सुनने वाले या इस वीडियो की रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर आप किसी रोगी को दिखाएंगे, तो मैं सुनने वाले उस रोगी से भी यही प्रार्थना, विनती और आग्रह करूंगा कि वो मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनकर अपनी चिकित्सा स्वयं करे। इसे ही हम स्वयं वैद्य भी कह सकते हैं। तो जीवन हमारा दो प्रकार से चलता है, एक संघर्ष और एक समर्पण। संघर्ष वो है जो आक्रामकता की बात करे, जो हिंसात्मक बात करे, जो जबरदस्ती थोपना चाहे, वो संघर्ष है। समर्पण क्या है? समर्पण क्या है कि प्रतिक्रमण करना, एक आक्रमण है, एक प्रतिक्रमण है, जो आक्रमण के रास्ते को छोड़कर प्रतिक्रमण के रास्ते पर चलने चला जाए, वो आपका समर्पण है। तो समर्पण कैसे किया जाए? खुद का समर्पण। अगर रोगी है तो वो कैसे समर्पित हो, और अगर वैद्य है वो रोगी के प्रति कर्म समर्पित। मैं चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को रिकॉर्डिंग के बाद जो आमवाद का रोगी है वो भी सुने, और आमवाद के रोगी को ठीक करने वाला अगर कोई वैद्य है तो वो भी सुने। तो मैं इस दोनों रास्तों को ध्यान में रखते हुए अपने वाचन और अपने शब्दों को बहुत एक आयाम, एक दिशा देना चाह रहा हूँ। पूरब के आपने बहुत देखा होगा, हम पूरब के जितने भी शास्त्र हैं अक्सर परमात्मा को नमस्कार करते हैं, धन्वंतरी की वंदना करते हैं। और आज के इस सेशन की जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर हेतल दवे, जो इस वक्त जयपुर में हैं, उन्होंने भी भगवान धन्वंतरी का पूजन किया, उन्हें नमन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि धन्वंतरी जी की मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ, आप आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। ये धन्वंतरी का पूजन, धन्वंतरी को नमन, काबा कैलाश काशी को नमन, उस मौलवी उस खुदा को नमन, ये क्या परंपरा है हमारे नमन। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि अगर आप वैद्य हैं तो आमवाद के रोगी के साथ किन भावों के साथ बैठना है, और अगर ये रिकॉर्डिंग मेरी कोई आमवाद का रोगी सुन ले तो उसको वैद्य के साथ किस भावों से जाना है। तो दोनों ही आयामों को कवर करता हुआ मैं शब्दों को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रभु से आशीर्वाद दूं कि मेरे शब्दों में अपना असर देना, और अगर मेरी नजर है तो अपनी नजर देना। तो पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा के नमन से शुरू होते हैं। ये नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, ये नमस्कार केवल पारंपरिक नहीं है, ये नमस्कार इंगित करता है कि मार्ग समर्पण का है। वी ट्रीट्स एंड ही क्योर्स, ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं बोलते हुए,
कि केवल शब्दों से नमन नहीं होगा, केवल शब्दों से कह देने से वी ट्रीट ही क्योर्स क्योर नहीं होगा पेशेंट। आम बात कर रोगी को, भैया पीड़ा है, उसको स्टिफनेस है, मरम चिकित्सा कर ली, युक्ति व्यवस्था चिकित्सा दे दी, वैतरण वस्ती लगा दी, आपने उसको सुबह शाम बालू को पोटले स्वेद भी दे दी, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे आप? आपने सारे युक्ति लगा दी, सारा पंचकर्म लगा दिया, बहुत सारे पेशेंट उसके बाद भी ठीक नहीं होते। मैं आपको कह रहा हूं कि हमने दो चीजें लगानी छोड़ दी, एक तो दैव्य पाश्चात्य चिकित्सा और एक सत्वावधि चिकित्सा, और ये दोनों चिकित्साएं लगाने की नहीं है, ये तो दिल लगी की बात है। अगर आपको समर्पण का रास्ता आता है, अगर आपको नमन का रास्ता आता है, अगर आपको प्रेम और परमात्मा का रास्ता आता है, तो यकीन मानिए सारी युक्ति चिकित्सा एक तरफ और सत्वावधि और दैव्य पाश्चात्य चिकित्सा अकेली एक तरफ। तो मैं उस चिकित्सा को आमतौर के रोगी में कैसे आपने प्रयोग करना है, एक बार नए शब्दों के साथ इस दूसरे और तीसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हूं। कुछ लोग परमात्मा के द्वार पर और कुछ लोग प्रकृति के द्वार पर संघर्ष का रास्ता बनाते हैं। हमारी पाश्चात्य संस्कृति क्या करती है, पाश्चात्य संस्कृति पदार्थ और प्रकृति और आसपास के वातावरण में मिलने वाली हर चीज को तोड़कर उसका विश्लेषण करना चाहती है, माइक्रोस्कोपिक और लैब के अंदर उसके आंकलन प्रस्तुत करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये आक्रामकता का रास्ता है, ये संघर्ष का रास्ता है, ये अहिंसा नहीं, ये हिंसा का रास्ता है। तो करना क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, जब हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं, जब हम परमात्मा से संघर्ष करते हैं, जब हम पदार्थों से संघर्ष करते हैं, तो हमारे हाथ क्या लगा, हमारे हाथ कुछ ना लगा, उन्हें कोई आज तक आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, उन्हें आत्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ। ऐसे में एलोपैथी के पास एक बहुत प्यारा शब्द है, क्योंकि हर पैथी की अपनी एक मर्यादाएं हैं, आयुर्वेद की भी एक मर्यादाएं हैं, एलोपैथी की भी एक मर्यादाएं हैं। एलोपैथी ये कहकर छोड़ देती है कि डिजीज इनक्योरेबल है, और क्या हमारे पास भी यही शब्द है, असाध्य व्याधि है? नहीं, हम असाध्य कहकर अपने आयुर्वेद को छोटा नहीं कर सकते। आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद अनादि है, आयुर्वेद अनंत है, आयुर्वेद में असाध्य शब्द नहीं है साहब। आयुर्वेद तो असाध्य को भी साध्य बनाने की युक्ति बताता है, और युक्ति क्या है, वो दैव्य पाश्चात्य और सत्वावधि चिकित्सा। तो मैंने आपको समर्पण का रास्ता बताया, मैंने आपको नमन का रास्ता बताया, मैंने आपको संघर्ष और आक्रामकता का रास्ता नहीं बताया। विज्ञान क्या करता है, अगर आप एक फूल लेकर जाएंगे और किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि साहब इस फूल के बारे में बताएं, तो वैज्ञानिक फूल का विश्लेषण बता देगा, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट, उसमें कलर का रंग का कारण भी बता देगा, लेकिन फूल की सुंदरता को बताने वाली दृष्टि वैज्ञानिक में नहीं होगी। और वही फूल अगर आप वैद्य के पास लेके जाएंगे, तो वैद्य जानते हैं क्या कहेगा, अगर वो गुरु के साथ बैठकर उसने कुछ श्रृंगार किया होगा, तो उस फूल के बारे में वैद्य के क्या शब्द होंगे, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदौ गुरु पद परम परागा। कितनी प्यारी सुंदरता बनाने वाले ने बनाई, इसपे तितली भी आती होंगी, इसके गंध मकरंद और सुगंध का पान करने भोरे भी आते होंगे, ये कितना निष्पर्श सा रहता होगा, कितनी स्वतंत्रता है, और जब ओस की बूंद इस गुलाब के फूल या कमल के फूल पर पड़ती है तो मोती जैसी दिखती होगी। ये दृष्टि चाहिए एक वैद्य को आम वात के रोगी में दैव्य पाश्चात्य और सत्वावधि चिकित्सा करते वक्त, ना कि ये दृष्टि चाहिए कि इसमें आरए फैक्टर कैसा है, इसमें सीआरपी कैसी है, इसमें ईएसआर कैसा है। विज्ञान की जानकारी जरूरी है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब विज्ञान खत्म हो जाए तो आत्मज्ञान अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान बहुत जरूरी है, और शायद यही लक्ष्य हमारी विश्व आयुर्वेद परिषद का भी है कि आओ साथ लेकर चले, आओ आयुर्वेद पद्धति को एक राष्ट्रीय पद्धति बनाए, क्योंकि लिखा भी है सम गच्छत्वम सम वदत्वम सम वो मनासी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संगरण न उपासते। मैं आपको दैव पाश्चात्य और सत्वावधि बता रहा हूँ भैया, इसको बताने का तरीका भी ऐसा है, इसको गा के बताया जाए तो ज्यादा अच्छी सत्वावधि और दैव पाश्चात्य की अनुभूति आती है। अगर इसको मैं गंभीरता से बता दूं तो साहब फिर तो युक्ति पाश्चात्य को मैं गंभीरता से आपको व्यवस्था पत्र के रूप में बताता चला जा ही रहा था। तो आइए मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूं उसके ऊपर। जब शब्दों को विराम दूं तो भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और जब शब्दों को बोलूं तो और गहरे उतर जाइएगा। अगर आप वैज्ञानिक को यह बोलो कि फूल के सौंदर्य को बोतल में डाल दो, तो साहब वैज्ञानिक फूल के टुकड़े टुकड़े करके उसके सारे केमिकल रासायनिक संगठन बोतल में डाल देगा।
और अगर उससे पूछो कि सुगंध कहाँ है और सौंदर्य कहाँ है, तो वैज्ञानिक उसका जवाब नहीं दे पाएगा। मैं आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब एक वैद्य आम बात के रोगी के पास बैठे, तो वो रोगी के पास ना बैठे, वो रोग के पास ना बैठे, वो परमात्मा के पास बैठे। जिस तन लागे वही तन जाने, जिस पे बीतती है वो जानता है। हम शास्त्र पढ़ के इलाज करने तो चल दिए, लेकिन क्या हम रोगी की पीड़ा को अनुभव कर पा रहे हैं? कैसे अनुभव करेंगे जब आपका उसके साथ तारतम्यता बैठेगा, एक अटैचमेंट बैठेगी, और वो अटैचमेंट क्या नाड़ी देखने से बैठेगी? क्या लक्षणों की और कुछ श्लोकों को याद करके उसका डायग्नोस करके बैठेगी? डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। विज्ञान की बात को मैं बहुत प्रशंसा से और करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। श्लोक कंठस्थ है, लेकिन श्लोक कंठस्थ एक आत्मीय संबंध नहीं बन पाएंगे आपके आम बात के रोगी के साथ। इसलिए मैं आपसे अब जो अब पहलू डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि आत्म साक्षात्कार स्वयं के साथ कैसे जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद रोगी के साथ कैसे जुड़ेंगे। एक बार एक पेशेंट जब ओपीडी में बैठा अपनी आम बात की बात बता रहा था, तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि आप वस्तिकर्म और पंचकर्म कराएं और ये चिकित्सा लीजिए। तो पेशेंट ने बोला कि साहब, मैं कुछ आयुर्वेद के सेंटर्स पे ये चिकित्सा एक साल से ले रही हूँ, तो हमारी वैद्यों की ये परिपाटी होनी भी चाहिए कि हम पेशेंट से ये पूछे कि दवा किस कंपनी की थी, दवा की गुणवत्ता कैसी रही होगी, पंचकर्म कहाँ से कराया था, क्या वहाँ पे औषधियों का प्रयोग अच्छी गुणवत्ता वाली की गई थी। तो जब ये सारी बातें हमें स्पष्ट हो गई कि औषधि भी गुणवत्ता वाली भी थी, पंचकर्म भी विधिवत तरीके से कराया गया, युक्ति व्यवस्था चिकित्सा भी सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रही थी, लेकिन पेशेंट की आंखें सजल हो जाती हैं, पेशेंट रो पड़ता है, तब वैद्य क्या करेगा, तब शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र ने और चरक ने ये कहकर छोड़ दिया भैया सत्वावजय और देव उपाश्रय चिकित्सा, लेकिन हमें कौन बताएगा? वो साहब बताने की चीज नहीं है, वो सिखाने की भी चीज नहीं है, वो तो गुरु के पास बैठकर महसूस करने का नाम है कि देव उपाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा होती क्या है, वो महसूस कैसे होती है मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। सबसे पहले आपको रोगी के अंदर बैठे उस परम पिता परमेश्वर, उस परम पिता परमात्मा को झांकना है। और आपको एक बात और बताऊं, किसी भी चीज को देखने के लिए दृश्य अलग हो जाता है और दर्शन अलग हो जाता है। अगर मैं किसी पत्थर को देखता हूँ, किसी झील को देखता हूँ, इट मीन्स देखने वाला जो दृश्य है वो अलग है और जो देख रहा है वो अलग है। ये दो व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं, दृश्य अलग हो जाता है और दर्शन अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर, लेकिन कई बार देखने वाला जो चीज दिख रही है उसे स्वयं को अपना मान लेता है। जैसे कि अगर किसी झील में चांद का प्रतिबिंब है, तो कहीं झील ये ना सोच ले कि ये चांद मेरा है। अगर दर्पण में कोई व्यक्ति देख रहा है, तो दर्पण को ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि मैं ही ये व्यक्ति हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति दर्पण से हटेगा तो दर्पण अकेला रह जाएगा, जब चांद रात के बाद हटेगा तो झील बिना चांद के रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार किसी को देखने के लिए भोक्ता अलग है और अनुभोक्ता अलग है, ये दो चीजें अलग अलग हैं। जिसको देख रहे हैं वो अलग है। एक ऋषि ने, एक यूनान के एक विचारक ने लिखा भी है, द होस्ट इज इन द एंड ऑफ द गेस्ट लाइन। अतिथियों की सेवा करते करते जो सेवा कर रहा था वो खुद को भूल गया। मेहमानों के बीच बैठे बैठे जो मेजबान था वो खुद को ही भूल गया। मेरी तीन बातें फिर सुनिए, मेहमानों के बीच मेजबान खुद को भूल गया, अतिथियों की सेवा करते करते आतिथेय जो कर रहा था वो भूल गया, और एक यूनान के विचारक कॉन्स्टेंसकी ने ये लाइन लिखी है, द होस्ट इज इन द एंड इन द लाइन ऑफ द गेस्ट। जो होस्ट है वो गेस्ट के सबसे आखिरी गिनती में है। ठीक इसी प्रकार मैं रोगी की चिकित्सा करते करते धन की आकांक्षा कर बैठा, पद की आकांक्षा कर बैठा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा में शास्त्रों का ज्ञान के आंकलन का विचार भी कर बैठा, लेकिन इस विचार में स्वयं के अंदर स्थित परमात्मा को भूल गया। और अगर मैं स्वयं के अंदर स्थित परमात्मा से एकात्म कर लेता हूं, तो जो व्यक्ति आम बात का आया उसके अंदर बैठा परमात्मा भी तो वही है, क्योंकि परमात्मा तो आप और मेरा अलग कैसे है, वो तो दो हो नहीं सकते। मैं समय हमारा अभी धीरे धीरे एक घंटे का मुझे समय मिला था 60 मिनट का, और 60 मिनट में अभी 5 मिनट 7 मिनट शेष है, तो मैं 5 मिनट में अपने वक्तव्य को विश्राम देना चाहूँगा। और विश्राम की घड़ियों में मैं कुछ चीज़ें बहुत विशेष आपसे साझा करने आया था, कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इनमें से क्या चीज़ बोल चुका हूँ, और कहीं दोबारा मेरी कोई पुनरावृत्ति किसी लेक्चर के ना हो जाए।
बस मैं इन शब्दों के साथ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप साधना के पथ पे नहीं चलोगे, स्वयं के अंदर बैठे परमात्मा को नहीं देखोगे, तब तक आप रोगी की अनुभूति को और रोगी के दुख को अनुभूत नहीं कर पाओगे। और बिना उसके दुख की अनुभूति के आप कितनी भी दवाइयां इस्तेमाल कर लें, कितना भी पंचकर्म करा दें, आप रोगी को ठीक नहीं कर सकते। जब तक रोगी को ये महसूस ना हो जाए कि ये वैद्य नहीं है, ये मेरा कोई अपना ही है जो मुझे दिखता है कि वैद्य के रूप में आ जाया है। कई बार धनवंतरी जी के पास एक श्लोक लिखते हैं, मेरे यहाँ भी एक श्लोक लिखा हुआ है, न तुहम कामीय रज्जम न स्वर्ग न पुनर्भव कामीय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्थनाशनम। मैं रविंद्रनाथ टैगोर की इस पंक्तियों के साथ आज अपनी त्रिआयामी चर्चा को विश्राम देता हूँ और सत्वावधि चिकित्सा में मैं बहुत बोलने का उत्सुक रहता हूँ, व्याकुल और तत्पर रहता हूँ। तो फिर कभी गुरु जी अपने योगा सेशन में मुझे बुलाएंगे तो उस पर हम बहुत करेंगे। अभी मैं रविंद्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ अपने सत्र को धीरे धीरे विश्राम की ओर ले जाऊं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत प्यारी लाइन कही और मुझे लगता है कि वो लाइनें मेरी दैव्य पाश्र और सत्व बजे बात को शायद पूरी तरीके से रख पाएंगी कि मैं घर से तुझसे मिलने अकेला ही आया था। मेरी बात को बहुत प्यार से सुनिएगा, मैं इन पंक्तियों को बहुत दिल से आपको सुना रहा हूं। मैं घर से तुझसे मिलने अकेला ही आया था, ना जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। मैं घर से तुझसे मिलने अकेला ही आया था, ना जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। मैं डरा मैं घबराया आड़ा तिरछा बांका टेढ़ा भी चला। मुड़ के देखा और सोचा कि विपदा टल गई, लेकिन वो तो मेरे साथ था। वो धूल में धूली उड़ाए विलक्षण चंचलता लिए मेरे साथ चल रहा था। और तो और मेरे शब्दों में स्वर बन के उतर जाया करता था और जहां मैं बैठता था मुझसे पहले बैठ जाया करता। जानते हैं कौन था? मेरा अहंकार। नहीं तो सच मान, मैं तेरे द्वार पे तुझसे मिलने अकेला ही आया था, ना जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। और एक लाइन और कहकर मेरी बात पूरी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 मिनट और शेष हैं, तो मैं समय का सदुपयोग के साथ वाणी को विश्राम की ओर लेके जाऊं तो बहुत अच्छा मेरे गुरु का आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ कि मैं की जरब इस जहां में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। इस जहां में मैं अहंकार पद प्रतिष्ठा मान सम्मान संचय भंडारण ये सब व्याधियां हैं, आदि व्याधि और उपाधि। भैया मैं किस उपाधि में हूँ, मैं किस व्याधि में हूँ? आम वात का रोगी को तभी ठीक हो पाएगा जब मैं इन तीनों व्याधियों से अलग हो जाऊंगा। कौन कौन सी? आदि व्याधि और उपाधि। आयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, मैं कौन हूँ? मैं गति मति चित चेतना बुद्धि अहंकार हनु चिबुक या नस नाड़ियों में बहता हुआ रक्त या सांसों का सिलसिला चिदानंद रूप है शिवोहम। न भूमि न व्योम न तेजो न वायु, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। और जो रोगी है आमवाद का, वो आमवाद के रोगी से पहले, एक मनुष्य से पहले एक आत्मा है। जब इसका ज्ञान आपको हो जाएगा तो यकीन मानिए सारी युक्ति और सारा पंचकर्म धरा रह जाएगा। आप ये कहेंगे अगर पेशेंट सारे ऐसे ठीक हो गए तो चरक ने शास्त्र क्यों लिखा था? धन अर्जन करने के लिए, हमारी जीविका का साधन बनाने के लिए, क्योंकि उसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो चरक ने तीनों ही आयाम पूरे किए, हमारी परलोक ऐशना भी पूरी की, हमारी धन ऐशना भी पूरी की, हमारी प्राण ऐशना भी पूरी की। तो अहंकार और उपाधि को छोड़ने के लिए, सत्व वजह और देवपाश्रय में प्रवेश करने के लिए इन शब्दों के साथ कि इस जामा है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं की जरब जब उसकी इस असबाब ने, उस बदकिस्मत ने बकरे की तरह जब मैं लगाया तो रखकर गर्दन पे छुरी काट दी असबाब ने। कुछ जल गया कुछ बुन गया कुछ बिक गया बाजार में, फक्त आते रह गई मैं पुकारने के लिए। ले गया लद्दाख उसे धुनकी बनाने के लिए, चोट जब धुनकी की पड़ी तो तांत घबराने लगी। मैं के बदले सदा तू ही तू पुकारने लगी। मेरा सेशन विश्राम की ओर। मैं एक बार फिर विश्व आयुर्वेद परिषद की 2015 से 21 नवंबर 2015 से चलती हुई अनवरत इस ज्ञान गंगा के माध्यम में ऑनलाइन लाइव सेशन का पहले सेशन का पात्र बन पाया, अपनी ज्ञान गंगा में आहुति दे पाया।
आदरणीय आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बलदेव दीवान जी और उनकी भार्या जो सेशन को ऑर्गेनाइजर के रूप में सफलपूर्वक और बहुत अच्छी योग्यता और पात्रता से चला रही हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूं। और आज से इस मंच के माध्यम से ये श्रृंखला पूरे देश भर में लाइव होने जा रही है। सभी ज्ञान गंगा के जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, अपने क्लिनिकल अनुभव वाले श्रोता सुन रहे हैं, कृपया वो अपनी इच्छाएं अगर श्रोता बनकर देना चाहते हैं तो इस हमारे फेसबुक पेज पर अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। आपको तुरंत हमारे ऑर्गेनाइजर किसी न किसी माध्यम से संपर्क करेंगे और ज्ञान गंगा की धारा का पात्र बनाकर विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से इस आयुर्वेद को श्रेष्ठ पद्धति घोषित करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। सबको प्रणाम। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद।